ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए हैं आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रिदा अहमद एंड यू आर वाचिंग मेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। और हमारे साथ मौजूद है सीईओ ऑफ चेस सिक्योरिटीज मिस्टर अली नवाज। सो लेट्स वेलकम हिम एंड विल नो अबाउट मार्केट अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। हैं आप? खैरियत से हैं बिल्कुल ठीक है आपको से। जी। मिस्टर अली, मार्केट में आज काफी अप एंड डाउन देखा गया। जो है वो मार्केट पहले अप हुई, फिर डाउन हुई, उसके बाद मार्केट में बाइंग देखी गई, उसके बाद फॉरेन से उसमें सेलिंग देखी गई। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, मेन रीजंस क्या हैं? आई मीन कि ये जो बिल्कुल साल का एंड चल रहा है, जो लास्ट के डेज हैं, दिसंबर क्लोजिंग है, नया साल शुरू होने वाला है, तो क्या ये इसका मेन रीजन था या कुछ और? जी देखिए, आज वैसे तो ट्रेडिंग इस साल 2023 का आज आखिरी ट्रेडिंग डे था। अब जब हम मार्केट्स खुलेंगी तो हम नए साल में होंगे, तो आखिरी दिन ये भी वॉलिटिलिटी की एक वजह होती है। दूसरा, हमने देखा कि लास्ट 2 दिन जो है वो मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की और तकरीबन 3,000 पॉइंट के करीब मार्केट बढ़ गई है। और तो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, बट देन नए मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स जो है वो किसी भी करेक्शन को का वेट करते हैं मार्केट में एंटर होने के लिए। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स में इस तरीके की बाइंग और सेलिंग डिफरेंट सेगमेंट्स की तरफ से आती है, जो कि मार्केट की वॉलिटिलिटी का रीजन बने। अच्छा, पीपीएल और के इलेक्ट्रिक को जो सर्कुलर डेट के पैसे मिलने वाले हैं, और इससे किसको बेनिफिट होगा और इन्वेस्टर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए? अब हमने एक टॉप जो न्यूज चैनल है उस पे भी एक न्यूज जो है वो देखी, और जो है वो उसके बाद हमने मार्केट में भी काफी ज्यादा बाइंग देखी और फॉरेन से हमने सेलिंग देखी, और बाइंग के बाद फॉरेन से सेलिंग आने की क्या मेन वजह थी, और आगे जो है वो न्यू इन्वेस्टर्स जो है, नए आने वाले इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस हवाले से? कि जब ये मार्केट में हमने देखा कि डिफरेंट मीडिया सोर्सेस पर ये खबर आई कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर रेट की मद में कुछ पेमेंट्स रिलीज की हैं, और वो पेमेंट्स जो हैं वो आईपीपीस को दी जाएंगी, के जिसमें के इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं, और देन वो गैस यूटिलिटी कंपनीज को देंगे, और वो फर्दर फिर ईएनपी कंपनीज को देंगे, जिसकी वजह से हमने देखा एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट ईएनपी सेक्टर में ओवरऑल देखा गया। हाउएवर, फिर जिस तरह मैंने कहा कि लास्ट 3-4 दिनों में जो जो मार्केट जिस करेक्शन थी, हमने देखा 2,500 पॉइंट की एक दिन करेक्शन हुई थी, जिसमें ओजी पीपीएल ने भी काफी बीटिंग ली थी और लोअर कैप्स लग गए थे। तो जिन इन्वेस्टर्स ने वहां पर एक्यूमुलेट किया था, उन्होंने आज जो है उससे उनको एक ही वीक में बहुत अच्छा गेन मिल गया है, तो इन्होंने कुछ प्रॉफिट्स उसमें से रियलाइज किए, जो वजह बनी कि फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड जो है वो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। ऑल राइट। अच्छा, अब मिस्टर अली, बैंक्स के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि मिजान बैंक, बैंक अल फला, यूबीएल, अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसके बारे में आप प्लीज कुछ जी बताइए। बिल्कुल, देखिए ये वाला जो सीजनल इम्पैक्ट होता है, ये जो जनवरी से फरवरी के दरमियान बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होती है बैंकिंग सेक्टर की, और बैंक्स के फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं, तो आई थिंक ये वो वक्त होता है कि जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैंक्स में पोजिशन होल्ड भी करते हैं और जो फ्रेश बिल्ड भी करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डिविडेंड्स बहुत अच्छे आने हैं और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं। तो आई थिंक हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जो फरवरी में रिजल्ट्स आएंगे बैंकिंग सेक्टर के, वो काफी पॉजिटिव होंगे, बहुत अच्छे बैंक्स डिविडेंड अनाउंस करेंगे, और खास पे जो हमारे टॉप 10 बैंक्स है, यूबीएल, एमसीबी, मिजान, बैंकर हेवी, बीएचएमबी, बैंकर फला, इन सब के बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी आएंगे और इनके की अर्निंग्स भी बहुत पॉजिटिव। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर जो है वो लोगों की, ज्यादातर हमारे पास ये क्वेरीज आ रही होती हैं और लोग पूछ भी रहे होते हैं कि किसी ने अगर कंपनी का शेयर बाय किया है तो वो बाय करके जो है वो फंस गए हैं, और हमेशा वो टॉप में ही फंसे रहते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिजान बैंक अगर लिया है तो 170 का लिया होगा, और यूबीएल अगर लिया है तो 180 का लिया होगा, तो इसके पीछे क्या मेन वजह है कि जब भी कोई क्वेरी आती है तो उनका यही कहना होता है कि वो अपर के जो रेट्स हैं उसमें फंस गए हैं? देखें मिजान बैंक की हम इसी साल मार्केट प्राइस देखें तो इसने 85 का लो लगाया है, और अगर कोई ये कह रहा है कि मसालन उन्होंने कोई हाई प्राइस पे लिया है, चाहे वो 160, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उन्होंने 160 या 170 पे एंट्री ली,
तो वो क्या सोच के एंट्री ली थी। और डेफिनेटली मीजान की जो फेयर वैल्यू है वो इससे कहीं ज्यादा ऊपर है, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने एंट्री जो है वो गलत। बट देन मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स आती है जब स्टॉक्स ने इतना परफॉर्म किया है और 85 का स्टॉक 170 या 160 हो गया है, तो इतनी बड़ी प्राइस मूवमेंट पर छोटी मोटी करेक्शन जो है वो नॉर्मल होती है। तो वो और मीजान में शेयर भी अच्छा है, तो आई थिंक जो भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से नहीं करनी चाहिए, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से करनी चाहिए। और फिर पेशेंस भी होना चाहिए कि जो है वो शॉर्ट टर्म की वॉलिटिलिटी को वो देख सकें। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अगर उन्होंने शेयर लिया हुआ है। आई थिंक एक अच्छा बैंक है, ग्रोथ वाला बैंक है। अगर शॉर्ट टर्म में उनको कोई जो है वो प्राइस कम भी हो गई है तो उनको समझना चाहिए कि वो फंस गए हैं। आई थिंक वो 1 साल के व्यू के साथ इन स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक रिटर्न वो बना लेंगे डिविडेंड से भी और कैपिटल गेन से। अच्छा, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि फार्मर सेक्टर, व्हाई फार्मर सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि हमने काफी देखा भी है कि करेक्शन आई है और करेक्शन के बाद जो है वो मार्केट इम्प्रूव हुई, लेकिन फार्मर सेक्टर पिक नहीं कर सकता। तो इसके पीछे क्या कोई मेन रीजन है कि इतना प्रेशर उसकी तरफ देखा जा रहा है? देखें होता ये है कि कभी कुछ सॉरी, मैं स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स में जी जी सॉरी फॉर जी इंटरप्टिंग, मैं यहाँ पे प्लीज एक पॉइंट और भी ऐड करना चाह रही थी कि फार्मा कंपनीज ने जो रेट बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया है, तो क्या वो अप्रूव नहीं हुआ? ये इसकी मेन रीजन है, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखें, ये बात तो जरूर है कि जो फार्मा कंपनी है जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ाने हैं प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट उनको वो प्राइस अप्रूव नहीं, उतनी प्राइस जो है वो अप्रूव नहीं करती, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे बिल्कुल प्रेशर आता है। बट ऐसी बात नहीं है कि फार्मा कंपनीज मुनाफे नहीं बना रही है और प्रॉफिट में नहीं है। आई थिंक फार्मा सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी होनी चाहिए या जिस तरीके से वो शायद उस लेवल पे नहीं है, बट देन फिर भी रीजनेबल प्रॉफिट्स हैं और क्वार्टर एंड क्वार्टर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। जो आपने कहा कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, देखें कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पहले परफॉर्म करते हैं और कुछ सेक्टर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि आईटी एक बहुत अच्छा सेक्टर है लेकिन शायद उसकी प्राइस परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही जैसे ईएनपी और बैंक्स की आ रही है। शायद इस वजह से कि इनमें ट्रिगर्स आ रहे हैं अभी ईएनपी के हवाले से, जिस तरह हमने सर्कुलर रेट का ट्रिगर दिखा, बैंक्स में डिविडेंड्स का ट्रिगर है, फर्टिलाइजर कंपनीज में डिविडेंड का ट्रिगर है, आईपीपीज में डिविडेंड्स का ट्रिगर है। तो आई थिंक सिंस ये फार्मा कंपनीज ग्रोथ में इन्वेस्ट करती हैं और पे आउट्स उस तरीके से नहीं देती हैं, तो शायद कुछ वो सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स की तवज्जो बाद में जाती है, जिसमें से हम आजकल आईटी सेक्टर देख सकते हैं, फार्मा सेक्टर देख सकते हैं, ऑटो पार्ट्स सेक्टर देख सकते हैं। तो आई थिंक हम देखेंगे कि जैसे ही थोड़ी प्राइस परफॉर्मेंस पहले ब्लू चिप सेक्टर्स में आ जाए तो उसके बाद इन्वेस्टर्स जो है वो इस इन सेक्टर्स की तरफ भी आएंगे, जब उन तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें प्राइस परफॉर्मेंस आएगी। ऑलराइट। अच्छा, अगर हम सीमेंट और स्टील सेक्टर की बात करें, तो सीमेंट और स्टील सेक्टर कोई भी डिविडेंड नहीं देता है, और फिर क्या वजह है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो इसमें ज्यादा रहता है? और अगर हम बात करें कि इसमें कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस करते हैं, और मार्केट अगर नीचे आ जाए तो इन कंपनीज का कोई पे आउट भी नहीं है, तो इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। और एज ब्रोकर्स, मतलब जो भी हमारे बड़े ब्रोकर्स हैं, वो एप्लीकेशन क्यों नहीं सबमिट करवाते एसईसीपी में इन कंपनीज को, कि वो इन कंपनीज के लिए कि वो डिविडेंड जो है वो पे आउट किया करें? तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं? और मार्केट में थोड़ी सी भी अगर करेक्शन नहीं आती है, तो ये मार्केट जो है वो इकोनॉमिकल इंडिकेटर के तौर पर क्या वजह है कि नीचे आ जाती है? तो सीमेंट और स्टील सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो हमेशा ही फंसे रहते हैं। उनको अगर डिविडेंड तो मिलता नहीं है, और अगर प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज जो है वो सालों साल जो है वो लॉस उठाते हैं इस पे। तो इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताएं। जी देखें, बात यह है कि हर सेक्टर के अपने फंडामेंटल्स होते हैं और बिजनेस करने का एक तरीका होता है, और आप ये एक्सपेक्ट शायद करना मुनासिब नहीं है कि अगर फूड की कोई कंपनी है तो वो फार्मा की कंपनी की तरह परफॉर्म करे, और अगर फार्मा की कोई कंपनी है तो आईटी की कंपनी की तरह परफॉर्म करे। आई थिंक हर सेक्टर के फंडामेंटल्स डिफरेंट होते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं, जैसे ईएनपी, पावर, फर्टिलाइजर, ये वो सेक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी अगर आपकी थोड़ी सी ग्रोथ कम भी हो तब भी इनकी रिटर्न्स इनके आते रहते हैं और इनके डिविडेंड्स आते रहते हैं। बट कुछ कंपनीज को हम एज अ साइक्लिकल सेक्टर्स कहते हैं कि वो इकोनॉमी के साथ परफॉर्म करते हैं,
और उनमें साइकिल जाते हैं, वो 3 4 साल बहुत अच्छा मुनाफा बनाते हैं, और फिर कुछ साल ऐसा आता है कि जिनमें उनकी बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है या गिरावट भी देखी जाती है, और फिर उनकी शेयर प्राइस भी वैसे ही परफॉर्म करती है। तो आई थिंक अगर कोई सीमेंट का इन्वेस्टर है तो उसको ये समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि सीमेंट की कंपनी से आप बैंक की तरह डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो एक अलग काम करते हैं और वो दूसरे एक अलग काम करते हैं। दूसरा आपका जवाब ये कि आप जो डिविडेंड्स के बारे में कहा, देखिए मैं यही कहूंगा कि हर कंपनी के की स्ट्रैटेजी अलग होती है या सेक्टर की स्ट्रैटेजी अलग होती है। हम ये देखते हैं कि हर 3 4 साल बाद, 5 साल बाद जाके सीमेंट सेक्टर को एक्सपैंड करना पड़ता है। तो अगर किसी का 1 मिलियन टन का प्लांट है तो वो 5 साल बाद जाके 1 मिलियन टन का और प्लांट लगाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। तो उसके लिए उनको 3 4 साल पैसे कमाने पड़ते हैं, और फिर कमा कर पैसे जमा करने पड़ते हैं ताकि वो उस प्लांट को या अपनी एक्सपेंशन को फंड करने के उनके पास पैसे हो, और उनको डेट जो है या उधार कम से कम लेना पड़े। हाउएवर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि शायद उस उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं करती, या वो कुछ पैसे पे आउट कर देती है इन्वेस्टर्स को, और फिर जो पैसे उनके पास बच जाते हैं सिर्फ उनसे जो है वो एक्सपेंड करती है। तो आई थिंक सीमेंट कंपनी या स्टील कंपनीज जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करती है, उनमें ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त आती है। हम देखते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ उनकी जो है वो बहुत शानदार होती है जब उनके लिए एक अपसाइकल होता है। तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड से ज्यादा जो है वो मार्केट प्राइस से वो रिटर्न मिल जाता है। हमने देखा पाइनियर सीमेंट 50 रुपए का 110 रुपए हो गया, हमने देखा 20 रुपए का मैपल 40 रुपए का हो गया। तो स्टॉक प्राइसेस तो सीमेंट्स की भी डबल हो गई है इस साल में। तो ये वाला रिटर्न उनको फिनोमिनल जो है वो मार्केट प्राइस से हो जाता है जब उन स्टॉक्स जब उन सेक्टर्स में ग्रोथ आती है। तो बट हमने देखा है कि इस साल जो है वो कुछ सीमेंट्स ने भी डिविडेंड्स जो है वो थोड़ा थोड़ा देने शुरू किए हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके सीमेंट सेक्टर भी जो है वो अपना पे आउट रेशियो बढ़ाएगा, क्योंकि उनके भी काफी अच्छे मार्जिन हो रहे हैं और अपेरेंटली सबके पास कैपेसिटी है। तो अगले 3 4 साल में ज्यादा प्लेयर्स को जो है वो एक्सपेंड करना नहीं होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सीमेंट्स के अगले 2 3 सालों में डिविडेंड्स जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर होगा। फ्रॉम मंडे जनवरी ऑनवर्ड्स आप मार्केट को कहाँ देखते हैं? देखिए हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब बेहतर होगी जनवरी के महीने में। हम 7 जनवरी को प्रॉब्ली IMF की बोर्ड मीटिंग है जिसमें हमें ट्रांच आनी है, फिर हमारी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी 3rd वीक जनवरी से, फिर फेबरी में कॉर्पोरेट रिजल्ट अनाउंसमेंट सीजन भी है, और फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में है जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने की। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो आपका जनवरी जो आने वाला हफ्ता भी है और जो आने वाला महीना भी है वो मार्केट के लिए काफी बेहतर हो। जी, इंशाल्लाह। सो इन द एंड मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं। आज इस साल का मार्केट का लास्ट डे है, सो कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो प्लीज पोस्ट जी कीजिए। बिल्कुल, देखें जनवरी 2023 में हमने देखा जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी, और शायद उस वक्त एक्विटी से लोग दूर भाग रहे थे मार्केट से, बट हमने देखा कि स्टॉक्स बहुत सस्ते थे और जनवरी टू जून में प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, लेकिन जुलाई के बाद हमने देखा मार्केट ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। हम यही इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि 2024 में भी अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी प्लान करें और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जिनमें अच्छी अर्निंग्स आ रही है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। हम देखेंगे जनवरी 2024 भी इन्वेस्टर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मिस्टर अली फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।